हेलो दोस्तों, अगर आपने नया जनसेवा केंद्र ओपन किया है और अब आप जानना चाहते हैं कि हम ये डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर नया निवास प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच कर लीजिए। यहाँ पर मैं बहुत ही आसान भाषा में और पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें आपको फिल करनी है फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो आईडी पासवर्ड मिला है उसके थ्रू आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर यहाँ पर आ करके आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ इस पोर्टल पर लॉगिन होते हैं तो लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ आना है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र में आपको जाति प्रमाण पत्र हिंदी, जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र और विकलांग प्रमाण पत्र, इतने प्रमाण पत्र आप यहाँ से जारी कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको दो तरीके के मिलते हैं, एक मिलता है हिंदी, एक मिलता है अंग्रेजी। यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र हिंदी का है, ये हिंदी के ज़्यादातर सभी लोग बनाते हैं, और जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो इसे हम सेंट्रल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें अंग्रेजी नहीं बल्कि हमें सभी डॉक्यूमेंट जो बनाने हैं वो हिंदी में ही बनाने हैं। तो आपको जाति प्रमाण पत्र अगर बनाना हो तो हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे। आय प्रमाण पत्र बनाना हो तो लिखा है निवास की हमने बात की थी, तो हम यहाँ निवास प्रमाण पत्र इसी पर हम यहाँ कर देते हैं क्लिक, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो मिलता है ग्रामीण का, एक मिलता है नगरीय। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जिस किसी भी ग्राहक का निवास प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं तो उसके आधार कार्ड पर क्या लिखा हुआ है, उसका जो पता है वो नगरीय है या ग्रामीण है। अब ये चीज़ आपको उसके जो उसका एड्रेस है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा। ज़्यादातर केस में ग्रामीण ही रहता है, तो मैं यहाँ पर ग्रामीण के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। अगर आपके केस में नगरी हो तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नगरीय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम ग्रामीण की बात कर रहे हैं तो हमने ग्रामीण यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद लिखा है प्रार्थी का नाम हिंदी में, तो आपको यहाँ पर जो भी ग्राहक हो आपका, जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ बिल्कुल वही नाम आप यहाँ पर हिंदी में टाइप करेंगे। कुछ चीज़ों में यह हो जाता है कि कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग थोड़ा कठिन काम रहता है, बहुत से लोग कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ अगर आप देखें प्रार्थी का नाम लिखा है अंग्रेजी में, तो इसमें अगर अंग्रेजी में हम यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया शांति देवी, ठीक है, शांति देवी, ओके, इस तरीके से। अब अगर हमें इसी को हिंदी में टाइप करना हो तो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे, लेकिन इसको हिंदी में लिखने के लिए हमें थोड़ी सी कंप्यूटर में सेटिंग करनी होती है। इस तरीके से आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर तीन लैंग्वेज हैं, एक है इंग्लिश, एक है हिंदी और दूसरी भी हिंदी। तो ये जो हिंदी है ये मैंने खुद से कंप्यूटर में अपने सेट की है, मैंने थोड़ी सेटिंग की थी। अब क्या है कि यहाँ से मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। अब हम जैसे ही अंग्रेजी में लिखेंगे शांति, माफ़ कीजिएगा, इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। अब हम जैसे ही लिखेंगे यस HANTI, मैंने जैसे ही SHANTI लिखा तो शांति 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 इस तरीके से लिख करके अगेन में से जो भी सही हो नाम उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला शांति सही है तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद स्पेस दे देंगे, देवी लिखना है तो DEVI, हम इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नाम लिखना है हिंदी में। अगर आपको ये सेटिंग सीखनी हो, जाननी हो कि हम कंप्यूटर में इंग्लिश को लिखें और वो हिंदी में अपने आप बदल जाए, तो ये सेटिंग और ये तरीका जानने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारी एक और वीडियो को देखने की। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पहले आप यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बनाने का पूरा तरीका सीख लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। जब इस वीडियो के लास्ट में या बिल्कुल एंड में पहुँचेंगे वहाँ पर भी मैं उसका लिंक दे दूँगा आपको, उस वीडियो को देख करके आप ये जानकारी सीख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है पिता पति संरक्षक का नाम, तो यहाँ से आपको ये चुनना है कि अगर लड़की है तो उसके पिता का नाम, लड़का है तो उसके पिता का नाम, अगर कोई लड़की जिसकी शादी हो चुकी है महिला है तो उसके पति का नाम, अगर पिता या पति कोई नहीं है, कोई उसका गार्जियन अभिभावक आवेदन करवा रहा है आधार कार्ड के हिसाब से, तो आप संरक्षक चुनेंगे। ये चीज़ें आपको अपने मन से नहीं चुननी है, बल्कि जो आधार कार्ड में डिटेल हो वही आपको यहाँ से चुननी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आवेदक है, जो ग्राहक है, उसके माता का नाम, ये चीज़ आपको पूछनी पड़ेगी क्योंकि आधार कार्ड में माता का नाम नहीं होता है। उसके बाद आगे आएंगे मकान नंबर, तो यहाँ पर मकान नंबर का ऑप्शन जो है इसमें ग्राहक के मकान नंबर को आपको डालना है कि उसका मकान का नंबर क्या है। अगर बाय द वे किसी केस में आपको नंबर ग्राहक मौजूद नहीं करा पाता है, नहीं बता पाता है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद मोहल्ला और पोस्ट, तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में है तो गाँव का नाम भर देंगे और उसके बाद पोस्ट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे जिला, तो यहाँ से आप जिस जिले के अंतर्गत आते हैं
यूपी के अंदर आप जिस किसी भी ज़िले के अंतर्गत आते हैं, आपका आईडी यहां से भी अप्रूव है तो वो ज़िला ऑटोमेटिक यहां पर सेलेक्ट हो जाएगा, इसे आप चेंज भी नहीं कर सकते। उसके बाद इस ज़िले के अंदर जितनी तहसील है वो सभी तहसील यहां पर दिख जाएंगी, जो भी तहसील हो ग्राहक की वो तहसील आप चुन लेंगे। तहसील चुनेंगे उसके बाद यहाँ पर थाना आ जाएगा, और उसके बाद जैसे ही आपने थाना चुनेंगे तो सभी जितने भी गाँव हैं इस तहसील के अंदर वो सभी गाँव आ जाएंगे। जन्म तिथि आपको यहाँ पर भर देनी है, तो जन्म तिथि का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये आधार कार्ड में जन्म तिथि है वो भर देंगे। जन्म का स्थान कौन सा है, कहाँ पर जन्म हुआ है, तो वो भी आप भर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसके गांव का नाम डाल देंगे, अगर आप छोड़ना चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद में मोबाइल नंबर, ये आपको भरना ज़रूरी है, ग्राहक का मोबाइल नंबर ही यहाँ पर आप भरें, किसी दूसरे का भरने की ज़रूरत नहीं है। निवास की अवधि, ये जन्म से जहाँ पर जहाँ के लिए आपने आवेदन कर रहे हैं आधार कार्ड के थ्रू, तो वो जन्म से है या जन्म से नहीं बल्कि कुछ दिनों से रह रहा है, तो उसका यहाँ पर वर्ष भर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ग्राहक से ही जानकारी लेनी होगी इनके बारे में। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो यहाँ पर आपको कारण देना होगा, और ये ज़रूरी भी है कि ये निवास प्रमाण पत्र क्यों बनवाया जा रहा है, कहीं पर आवेदन किसी चीज़ में करना है, या बहुत सी जगह होती है जैसे कि आधार कार्ड में कोई संशोधन कराना हो, कोई अनुदान प्राप्त करना हो, तो इन चीज़ों के लिए भी निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर लिखा है क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो इसे आपको कुछ नहीं करना है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। लिखा है राशन कार्ड संख्या या परिवार आईडी, देखिए परिवार आईडी पहले तो इसकी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि परिवार आईडी पहले कोई ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन अब एक नया पोर्टल शुरू किया गया है familyid.gov.in, ठीक है। तो इस पोर्टल पर अब सभी जितने भी परिवार हैं यूपी के अंदर सबका एक फैमिली आईडी बन रहा है, तो राशन कार्ड संख्या या फैमिली आईडी एक ही बात है। जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है उन लोगों का फैमिली आईडी बन रहा है, तो वो यहाँ पर नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद है संलग्नक शीर्षक, ठीक है। तो जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाने जा रहे हैं तो उनको आप चुनेंगे, आपको फ़ोटो यहाँ पर ज़रूरी है लगाना, ठीक है। आप यहाँ पर फोटो लगाइए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन कौन सी चीज़ें लगाएं जिससे कि आपका निवास प्रमाण पत्र जल्दी से बन जाए, बल्कि बन जाए। आपको फ़ोटो लगाना ज़रूरी है, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको यहाँ पर लगाना ज़रूरी है। अब अगर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको डाउनलोड करना नहीं पता है, या किस तरीके से इसे हम भरते हैं ये चीज़ें नहीं पता है, तो वो सब आपको फिर हमारे दूसरे और वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। उसके बाद लिखा है पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र, तो जो ग्राहक है वो खुद से ही ये जाति प्रमाण पत्र लिखा करके लाएगा प्रधान से, ठीक है। अगर नहीं लिखा करके लाया है तो उसको आप बताइए, और इसका एक फॉर्मेट होता है प्रधान के पास, वो खुद उस पर लिख करके फ़ोटो वगैरह चिपका करके उसको प्रमाणित करके देंगे। अगर प्रधान के पास नहीं है तो आप अपने पास से भी ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट होता है वो दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें मेरे पास, मैंने ये बना करके रखा है अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर प्रधान, निवास, जाति और आय सभी इससे बन जाएंगे इसी फॉर्मेट से, और नीचे है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, तो ये मैंने खुद से बनाया है। अगर आपको ये पूरा फॉर्मेट चाहिए है, क्योंकि एक पेज पर दोनों चीज़ें निकल आती हैं एक साथ में प्रिंट करने पर, अगर आपको ये चाहिए है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर मैंने वीडियोज और भी बनाए हैं, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। ये वीडियोज अगर आपको देखना हो, ये चाहिए हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। बाकी चलिए हम आगे बात करते हैं जो मैं बात कर रहा था। तो ये तो हुआ कि आपने स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया, प्रधान के द्वारा लिखा हुआ जो जाति प्रमाण पत्र या निवास या आय उसका भी फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया। उसके बाद है राशन कार्ड की छाया प्रति, ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएँ, न चाहें तो न लगाएँ, ठीक है। उसके बाद है अन्य में आप आएंगे, आपको आधार कार्ड यहाँ पर जरूर अपलोड कर देना है। आधार कार्ड अपलोड करने से एक आईडी अपलोड हो जाएगा और उससे आसानी से बन जाते हैं। किसी केस में अगर आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, तो बहुत सी आईडी होती हैं, तो उनको भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद या सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर, जैसे मैं चलिए एक बता देता हूँ आपको, अपलोड करके दिखा देता हूँ। अब जैसे कि हम एक फ़ोटो अपलोड करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से शीर्षक चुन लिया फ़ोटो, और उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो है उस फोटो का साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बाकी जितने भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो आपके 100 KB से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इनके बारे में सेटिंग जो भी करनी होती है वो सभी वीडियोज में बना चुका हूँ, बस आपको ज़रूरत है कि आप कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो सभी वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देते हैं, तो जो फ़ोटो है ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और ये फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। जैसे ही फ़ोटो अपलोड होगा तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे
इस तरीके से फ़ोटो लिख करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट आ गया। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। तो इसको भी मैंने स्कैन करके रखा हुआ है, इसे हम सेलेक्ट करते हैं और चूज करके अपलोड करते हैं। अब ये तीन डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो गए। क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है, तो हम इसके लिए सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर अन्य को। अन्य को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, इसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड इस तरीके से। अब हम यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जो आधार कार्ड की कॉपी है जो हमने स्कैन करके रखी है उसे हम सेलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखेंगे चार डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए। और आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जो ये लाल रंग से लाइन लिखी हुई, इसका क्या लिखा है पढ़िए। कृपया ध्यान दें कि आवेदन संशोधन की प्रक्रिया में संलग्नक हटाने की सुविधा कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं है, अतः संलग्नक सावधानी पूर्वक अपलोड करें। आप जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ये अपलोड कर रहे हैं ये हटाने की सुविधा नहीं है, हालांकि जो फॉर्म आप यहाँ पर फिल करेंगे इसको तो आप चेंज कर सकते हैं आगे अगले पेज पर पहुँचने के बाद भी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे ये आप नहीं हटा सकते। उसके बाद जो एक कैप्चा लिखा है इसे भरेंगे और दर्ज करें पर कर देंगे क्लिक। लेकिन यहाँ पर क्लिक करने से पहले आप एक बार इस फॉर्म को देख लें। अब आप देखें तो ये फॉर्म हमारा भर करके तैयार हो चुका है, जहाँ लिखा है निवास प्रमाण पत्र है तो आवेदन पत्र, ये रहा फोटो, मोबाइल नंबर। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर, बल्कि ये गलती मैंने जानबूझ कर की है। यहाँ पर लिखा है प्रार्थी का नाम और जो नीचे नाम लिखा है ये इसके पति का नाम है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा है पिता का नाम, तो इसे हमें चेंज करना होगा। तो आगे अभी मैं बता रहा हूँ कि आप इसे चेंज किस तरीके से करेंगे कि अगर कोई गलती हो जाती है तो। उसके बाद यहाँ पर फोटो को अगर आप देखना चाहें तो फोटो पे क्लिक करके देख सकते हैं, वैसे तो फोटो यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। आपने जो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड किया है उसको देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दें। आपने निवास अपलोड किया है प्रधान द्वारा लिखित, उसको अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर लें, अदरवाइज आप आधार कार्ड वाले टैब पे क्लिक करके आधार कार्ड भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके यहाँ पर कोई गलती हो जाती है तो आवेदन संशोधित करें जो लिखा है इस पर आप क्लिक कर दें, और संशोधित करने के बाद आप फिर से इसी पेज पर आ जाएं और दर्ज करें जो लिखा है इस पर क्लिक कर दें। अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। आपने दर्ज करें पर यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे ही आप यहाँ दर्ज करें पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है या जो आपको आईडी मिला हुआ है वो आईडी जहाँ से भी आपने लिया होगा, जैसे कि मैंने बीएमटेक से लिया है तो बीएमटेक का पोर्टल इस तरीके से खुल जाएगा और यहाँ आप लॉगिन पे क्लिक कर दें और मतलब पेमेंट आपको करना है। इनके डन होते ही इस तरीके से लिख करके आएगा पेमेंट सक्सेसफुल। उसके बाद लिखा है प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना, ये जरूरी है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। ये रिसिप्ट जैसे ही जनरेट होती है तो इसे आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर और मोहर कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर सेवा शुल्क लिखा है 30 रुपये, तो ये यहाँ पर चार्ज है। और जैसे ही डॉक्यूमेंट आपका बन करके तैयार हो जाता है फिर आपको क्या करना है, इसे किस तरीके से निकालना है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको फिर से आना है इसी पेज पर और यहाँ पर आने के बाद जो ऊपर लिखा है स्टेटस, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे लिखा है स्टेटस ट्रैकिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। स्टेटस ट्रैकिंग पे आएंगे, यहाँ पर आवेदन संख्या और जो आपने अभी प्रमाण पत्र जो बनाया है वहाँ पर एक आवेदन संख्या आपको मिला होगा, वो आवेदन संख्या आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे आप आवेदन संख्या यहाँ पर कोई भी एक आवेदन संख्या मान लीजिए आपने डाल दी, वो आवेदन संख्या आप यहाँ पर भरने के बाद आप दर्ज करें पर क्लिक करेंगे। जैसे आप दर्ज करें पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से लिख करके आ जाएगा निवास प्रमाण पत्र, आवेदन संख्या, आवेदक का जो नाम था वो नाम और उसके पिता या पति का नाम, यहाँ पर लिख करके आएगा उसका क्या प्रोसेस रहा है, क्या कंडीशन है। यहाँ पर लिखा है आवेदन स्वीकृत एवं प्रमाण पत्र तैयार हो चुका है, तो इस प्रमाण पत्र को प्रिंट करने के लिए लिखा है प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए क्लिक करें और आवेदन पत्र देखने के लिए क्लिक करें। जो आपने आवेदन किया था उसे देखना हो तो यहाँ पर क्लिक करें, फिलहाल तो उसे देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आपका प्रमाण पत्र बन गया है। तो आपको क्या करना है, प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए क्लिक करें, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और बस 2-3 सेकंड का वेट करिए और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका प्रमाण पत्र बन करके तैयार हो चुका है। इसे आप ऊपर स्क्रॉल करें, नीचे की तरफ देखेंगे लिखा है प्रिंट, प्रिंट पे आप क्लिक कर दें और इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट आपके सामने इस तरीके से खुल करके लोडिंग होकर के आ जाएगा। और इसे आप कलर्ड प्रिंट करके और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर मोहर कर करके जनसेवा केंद्र का ग्राहक को दे सकते हैं। और ये आपका पूरा कम्प्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, एक देखा जाए तो एक निवास प्रमाण पत्र को बनाने का, ओके। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दी है कि आप एक निवास प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाएंगे। अब निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो सभी डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। आपको ज़रूरत है कि आप कमेंट करें या हमारे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट संपर्क करें। दूसरा, अगर आपको आय प्रमाण पत्र भी बनाना हो तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है कि आय प्रमाण पत्र में कितनी आय डालें, क्योंकि वहाँ पर आय भी आपको भरनी होती है, तो कितनी आय आपको डालनी है ग्राहक की।
जाति प्रमाण पत्र आपको किस तरीके से बनाना है, आपको हैसियत प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाना है, आपको विकलांग प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाना है, आपको राशन कार्ड किस तरीके से बनाना है, तो ये तमाम प्रकार की जो जानकारी हैं ये सभी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आपको सभी वीडियोज़ देखने हो तो हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर और भी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और सभी वीडियोज़ अगर आपको देखने हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।